हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फैक्ट्री डाटा रीसेट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस सैमसंग के फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट, हार्ड रीसेट कैसे कर पाएंगे, फुल रीसेट करना है तो कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर। फिर यहाँ से आपको मिल जाता है जनरल मैनेजमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको मिल जाता है रीसेट, तो रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आप सेटिंग रीसेट करना चाहते हैं तो सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, या फिर नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। तो हमें करना है फैक्ट्री डाटा रीसेट, तो फैक्ट्री डाटा रीसेट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये सारा कुछ आपका डिलीट हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी वगैरह, और यहाँ पर आपके फ़ोटोज़, वीडियो सब कुछ डिलीट हो जाता है यहाँ से। तो हम सब कुछ डिलीट करेंगे और यहाँ से रीसेट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से अपना पैटर्न या पासवर्ड जो भी आपने डाला है वो डाल देना है और डिलीट ऑल पर क्लिक करना है। डिलीट ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप, यहाँ पर एक क्रिएट ए पासवर्ड मिलता है, सेंड मेल मिलता है, तो इसे हम सेंड मेल कर देते हैं। ओके, और फिर यहाँ से आपका फ़ोन वेरीफाई इट्स यू, आपके लिए वेरीफाई हो रहा है ये। तो यहाँ पर हमें ईमेल आईडी अपनी डालनी है, तो हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। फिर यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इसका पासवर्ड हमें डालना है, तो यहाँ पासवर्ड भी डाल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट करना है, और फिर यहाँ से डिलीट ऑल कर देना है। अब यहाँ पर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है और ये बंद हो गया है, और इसे स्टार्ट होने में 5-10 मिनट का टाइम लग सकता है। अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा डाटा है तो इसे खुलने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को फुल रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर लेना है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा फर्स्ट टाइम सेटअप करने का ऑप्शन, तो यहाँ से आप अपना फर्स्ट टाइम सेटअप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।